हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनालिसिस ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट होती है कि जब भी किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके ऊपर जो टोटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन एक्सपेंडिचर्स के टोटल को हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है उस पर तीन तरह के खर्चे होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। इनकी सारी डिटेल हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, वहाँ से देख लेना। आज हम इसका न्यूमेरिकल फॉर्म्स सम नंबर्स के साथ हम इसका एग्जांपल करेंगे। से हमारी टोटल कॉस्ट है 10,000 रुपीज़। ये टोटल कॉस्ट को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। कॉस्ट के तीन कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम लागत के तत्व भी कहते हैं। तीन तत्व होते हैं लागत के, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। इस 10,000 को हम तीनों में डिवाइड कर देंगे। से मटेरियल है 6,000 रुपीज़ का, लेबर है 2,500 की और एक्सपेंसेस है 1,500। ठीक है, ये टोटल 10,000 हो गए। इसके बाद मटेरियल आगे फिर दो कैटेगरीज का होगा, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कौन सा है? डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट होता है, जिसे हम प्रोडक्ट से रिलेट कर सकते हैं और उस पर एलोकेट कर सकते हैं। जैसे टेबल बनाने में जो वुड यूज़ होती है वो डायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ रिलेट नहीं होता, यानी जिसे जो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनता। जैसे टेबल बनाने के लिए जब हमने वुड को काटा, जिस मशीन पे वुड की कटिंग हुई उस मशीन में जो लुब्रिकेटिंग ऑयल डले, ग्रीस डली, या फिर उसको क्लीन करने के लिए जो कॉटन वेस्ट यूज़ की गई, वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। ये प्रोडक्ट का हिस्सा तो नहीं बने लेकिन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में इनका यूज़ किया गया। कॉस्ट का सेकंड कंपोनेंट है लेबर। लेबर भी आगे दो तरह की होगी, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर जैसे टेबल को बनाने के लिए कारपेंटर ने 2 दिन लगाए, उसकी 2 दिन की जो रेम्यूनरेशन होगी, वेजेज होगी, वो क्या हो जाएगी? डायरेक्ट लेबर हो जाएगी। और इनडायरेक्ट लेबर कौन सी होगी कि जिस फैक्ट्री में टेबल बन रही थी उसमें एक वॉचमैन था, एक सुपरवाइज़र था, उसका मैनेजर था, उन सब का जो रेम्यूनरेशन है वो कहाँ जाएगा? इनडायरेक्ट लेबर में जाएगा। ये लोग डायरेक्टली टेबल की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली वो असिस्ट कर रहे हैं टेबल बनाने के लिए, या मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है उसको वो हेल्प कर रहे हैं। थर्ड आता है एक्सपेंसेस। मटेरियल और लेबर के अलावा जितने भी तरह के खर्चे आएंगे किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में वो कहाँ जाएंगे? एक्सपेंसेस में जाएंगे। ये भी दो तरह के होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हुए? वो एक्सपेंसेस जो किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से सीधे सीधे रिलेट किए जा सकते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए। जैसे टेबल हमने जो बनाई उसका डिजाइन पहले हमने किसी डिजाइनर से बनवाया था और उसे हमने उस डिजाइन के बदले में फीस दी, वो क्या हो जाएगी आपकी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होंगे? जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग में ये खर्चे किए जाते हैं। जैसे क्या हुआ, जैसे जिस फैक्ट्री में टेबल बन रही है उस फैक्ट्री का रेंट हो गया, उसके अंदर जो मशीन्स चल रही हैं उनका डेप्रिसिएशन हो गया, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन हो गया, फैक्ट्री का इंश्योरेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हो गए, ये सारे एक्सपेंसेस किस में आ जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो अब हमारी टोटल कॉस्ट थी 10,000 रुपये की। इस 10,000 को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, 6,000 का मटेरियल, 2,500 का लेबर और 1,500 रुपीज़ के एक्सपेंसेस हो गए। 6,000 का मटेरियल को फिर हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, डायरेक्ट मटेरियल से 4,800 है। ये सारे फिगर्स इमेजिनरी हैं। 6,000 में से 4,800 रुपीज़ का डायरेक्ट मटेरियल है और 1,200 रुपीज़ का इनडायरेक्ट मटेरियल है। इसी तरह से हमने लेबर को भी टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। से 2,500 में से 2,000 रुपीज़ की डायरेक्ट लेबर है और 500 रुपीज़ की इनडायरेक्ट लेबर है। थर्ड हमारी कंपोनेंट है कॉस्ट का एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हैं 1,500 के। इस 1,500 में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 400 रुपीज़ और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 1,100 रुपीज़। ठीक है,
अब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसे फिर से हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास 1100 के हैं, इसे हम तीन कैटेगरीज में आगे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे हमारे पास फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड हैं, जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री की बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हो गया, बिल्डिंग के अंदर जो मशीन्स हैं उनका डेप्रिसिएशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस हैं, फ्यूल के एक्सपेंसेस हैं, ये सारे क्या आ जाएंगे? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का सेकेंड कंपोनेंट है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफिस से संबंधित या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस इस कैटेगरी में आएंगे। ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन से होंगे? ऑफिस की बिल्डिंग का रेंट हुआ, ऑफिस की बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हुआ, ऑफिस की स्टाफ की सैलरी हो गई, स्टेशनरी के खर्चे, पोस्टेज के खर्चे, टेलीफोन के एक्सपेंसेस। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने होंगे, कौन से होंगे? प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस होंगे। लास्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? सेलिंग एक्सपेंसेस जब प्रोडक्ट की डिमांड को हम क्रिएट करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं फाइनल प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के एग्जांपल हैं एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस, सेल्समैन की सैलरी, उनका कमीशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हो गए, वेयर हाउस के एक्सपेंसेस हो गए, ये सारे एक्सपेंसेस आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो 1100 के थे इसे हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। 600 रुपीज़ के फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, 300 के ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हैं, और 200 रुपीज़ के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। यहाँ तक हो गया। इस टोटल कॉस्ट को हम आगे फिर से इसका एक चार्ट अलग फॉर्म में करेंगे। नेक्स्ट है ये चार्ट शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट इनटू प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड। अब प्राइम कॉस्ट क्या होता है और ओवरहेड क्या होता है, लास्ट जो हमने एग्जांपल लिया वही फिगर्स हम, वही न्यूमेरिकल फॉर्म्स हम यूज़ करेंगे। से टोटल कॉस्ट है 10,000, 10,000 की जो टोटल कॉस्ट है अब हमने इसे टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट क्या हुई? जितने भी तरह के आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मटेरियल डायरेक्ट लिया हमने, डायरेक्ट मटेरियल 4,800, डायरेक्ट लेबर 2,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 400 रुपीज़, इन तीनों को लेके हमने इनका टोटल किया तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट क्या होता है? सम टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमारे पास हो जाएगी प्राइम कॉस्ट। इसमें हम अमाउंट फिल करें तो 4,800 रुपीज़ का डायरेक्ट मटेरियल, 2,000 रुपीज़ का डायरेक्ट लेबर और 400 रुपीज़ के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टोटल 7,200 की हमारे पास क्या हो गई? प्राइम कॉस्ट हो गई। टोटल कॉस्ट के डायरेक्ट पार्ट को हमने अलग कर लिया, अब इसके इनडायरेक्ट पार्ट को हम अलग से मेंशन करेंगे। जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का टोटल, ये हमारे क्या आ जाएंगे? ओवरहेड्स। ये सारी डिटेल हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, वो देख लेना। तो ओवरहेड क्या हुआ? ओवरहेड हुआ सम टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यदि हम पुराने वाले डिजिट ही उठाएं जो हमने एग्जांपल किया भी, तो इनडायरेक्ट मटेरियल है 1200 रुपीज़, इनडायरेक्ट लेबर है 500 रुपीज़, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 1100 रुपीज़, तो ओवरहेड कितने हो गए हमारे पास? 2,800 रुपीज़ के। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को फिर हमने फिर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। टोटल 1100 रुपीज़ के हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने हैं? 600 रुपीज़ के। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं 300 रुपीज़ के। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं 200 रुपीज़ के। इनका टोटल हुआ 1100। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कॉस्ट को हम अलग अलग से कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। फर्स्ट चार्ट में हमने क्या किया?
टोटल कॉस्ट को मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, उसके बाद मटेरियल के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपोनेंट को अलग किया, लेबर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपोनेंट को अलग किया, एक्सपेंसेस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपोनेंट को अलग किया। सेकंड चार्ट में हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट के सभी डायरेक्ट कंपोनेंट्स को हमने अलग मेंशन किया, सारे जो डायरेक्ट कंपोनेंट्स हैं उसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट और इनडायरेक्ट कंपोनेंट्स को हम कहते हैं ओवरहेड। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब हमारी प्राइम कॉस्ट क्या हुई, प्राइम कॉस्ट क्या हुई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इतना हो गया। आगे हम करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड के हमने देखा कि इसके तीन पार्ट होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन ओवरहेड आगे तीन तरह के होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल का सारा पार्ट इंक्लूड हो जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर भी हम सारा का सारा पार्ट इंक्लूड कर लेंगे, फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का वो हिस्सा जो फैक्ट्री से रिलेटेड है। फैक्ट्री ओवरहेड में देखो, फिर से देखो क्या क्या आएगा, सारा का सारा इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा, इनडायरेक्ट लेबर आएगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का वो हिस्सा जो किससे रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, वो कहाँ आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका टोटल करते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल हमारे पास कितना है, 1200 रुपीज़, इनडायरेक्ट लेबर कितनी है, 500 रुपीज़, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का वो हिस्सा जो फैक्ट्री से रिलेटेड है कितना है, वो हमारे पास 600 रुपीज़, उसे इन सब का टोटल करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 2300 रुपीज़। फैक्ट्री ओवरहेड क्या हुआ, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये हमारे पास क्या आ गए, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री से रिलेटेड वो खर्चे जो इनडायरेक्ट हैं। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद आता है हमारे पास ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। जितने भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हैं उसे ही हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहेंगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, 300 रुपीज़, यही हमारे क्या हो जाएंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो जाएंगे। लास्ट है हमारे पास ओवरहेड्स की कैटेगरी में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होगा, जितने भी हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो जाएंगे। ये 200 रुपीज़ हैं तो ये 200 रुपीज़ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को ही हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहेंगे। ठीक है, अब हम आगे करते हैं, अब हमें पढ़ते हैं प्राइम कॉस्ट के बारे में। प्राइम कॉस्ट क्या होती है, अभी हमने किया, प्राइम कॉस्ट क्या है, प्राइम कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो प्राइम कॉस्ट क्या हुआ, द सम टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट हमने अभी कैलकुलेट की थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को टोटल कर देंगे तो हमारे पास 7200 की आ गई प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट सबसे पहले जब भी हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, उसकी प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद हम उसकी फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट क्या होगी, फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू, फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस मी फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट कितनी है, 7200 रुपीज़, प्राइम कॉस्ट लिखो यहाँ पे 7200 रुपीज़। फैक्ट्री ओवरहेड अभी हमने कैलकुलेट किए थे, ये रहे फैक्ट्री ओवरहेड, क्या थे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये कितने आए थे, 2300 रुपीज़। तो प्राइम कॉस्ट में जब हम
300 रुपीज़ के फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ पे हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आई, 9500 रुपीज़ की। नेक्स्ट है फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम ऑफिस कॉस्ट भी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑफिस कॉस्ट भी कहते हैं, ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आई, कितने की फैक्ट्री कॉस्ट आई है हमारे पास, 9500 की। इस 9500 की फैक्ट्री कॉस्ट में यदि हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट है 9500 की, इसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। हम देखते हैं कितने हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है हमारे पास 300 रुपीज़। तो 9500 रुपीज़ में हमने 300 के ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड किए तो 9800 रुपीज़ की हमारे पास क्या आ गई, ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आएगी टोटल कॉस्ट। यदि जो भी गुड्स हमने मैन्युफैक्चर किए हैं, यानी जितने भी प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किए हैं वो बेच दिए जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है, यदि इसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देते हैं, कौन सी ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किए हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितने हैं हमारे पास, 200 रुपीज़ के। ठीक है, ये 200 रुपीज़ के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हैं। यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल कॉस्ट। तो यही हमने सबसे पहले इमेजिन किया था, से हमारी कॉस्ट टोटल कॉस्ट है 10,000 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट 10,000 की कैसे आई, इसके अलग अलग कंपोनेंट कैसे हैं, क्या है, इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ गया हमारे पास। अब मान लो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद हमने सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट करना हो, सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सेलिंग प्राइस हमें पता है इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यदि लॉस होता तो उसे हम माइनस कर देते। इस क्वेश्चन में से हमारे पास प्रॉफिट है 1,000 रुपीज़ का, तो हमारा सेलिंग प्राइस कैसे होगा, टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 10,000 रुपीज़, 10,000 की हमारे पास टोटल कॉस्ट है, 1,000 रुपीज़ का हमारे पास प्रॉफिट है, इन दोनों का टोटल 11,000 रुपीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, सेल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट को हम एक स्टेटमेंट बना के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टेटमेंट बना के भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली स्टेटमेंट ही बनाया जाता है कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सबसे पहले हम लेंगे डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, तो हमारे पास आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करने के बाद हमारे पास आएगी ऑफिस कॉस्ट, सॉरी हमारे पास आएगी ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर दिए जाते हैं तो हमारे पास आ जाती है टोटल कॉस्ट, इसमें ऐड करेंगे हम प्रॉफिट, हमारे पास आ जाएगी सेल। ठीक है, थैंक यू।